अयुब कुल अध्याय 42 अध्याय 1 कुल पद 22। उस देश में अयुब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अयुब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अयुब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब अध्याय 2 कुल पद 13। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र
उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब तेमानी एलिपस, अशूही बिलदद और नामाती सोपर अय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना चीन सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। अय्यूब अध्याय 3 कुल पद 26। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी शुद्धि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो। अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिकारते हैं और लिबेतान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें, उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें। वह उज्याले की बाट जोहे, पर वह उसे ना मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा, मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए।
वह मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। वह मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता। वह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उज्याले को कभी ही न कभी वह ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उज्याले को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मग्न होते हैं। उजाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है? मुझे तो रोटी खाने की संति लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो कल ना शांति ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। अय्यूब अध्याय 4 कुल पद 21। तब तेमानी एलिपस ने कहा, यदि कोई तुझ से कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और मनुष्य हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है, और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी
उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती, वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। अय्यूब अध्याय 5 कुल पद 27। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नाश हो जाता है, और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जब पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके लड़के वाले उद्धार से दूर हैं, और वे फाटक में पिसे जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही से फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं। परंतु वे दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चित होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब अध्याय 6 कुल पद 30। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता, और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती। क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं,
क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। जब बनैले गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंकता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है। जो फीका है वो क्या बिना नमक खाया जाता है, क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है। जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह ईश्वर मुझे दे देता, कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है, क्या मैं निराधार नहीं हूं, क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती हैं। तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा, वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। उसी प्रकार तुम भी कुछ ना रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, वा अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो, वा मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, वा उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो, इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ ना बोलूंगा, फिर कुछ अन्याय ना होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत पर हूं। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है, क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता। अय्यूब अध्याय 7 कुल पद 21। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती, क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते। जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे वा मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए कलेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूंगा और रात कब बीतेगी, और पांव फटने तक छटपटाते छटपटाते उकता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर
कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा और अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूं या मगरमच्छ हूं कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछोने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहां तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी शुद्धि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे? तो कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं? हे मनुष्यों के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है? यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूं और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यतन से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिले। और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यतन से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। अय्यूब अध्याय 8 कुल पद 22। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेगी? क्या ईश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के वालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप ईश्वर को यतन से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा कीच बिना बढ़ता है? चाहे वे हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वो और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। ईश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहराता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह ना ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर ना रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए
तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, ईश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। अय्यूब अध्याय 9 कुल पद 35। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तऋषि मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या कहूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर विनती करता, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता, तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोषी क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को मूंद देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे वेग चाल से नावों की नाई चले जाते हैं या अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। जो मैं कहूं कि विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं,
तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए, तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। अय्यूब अध्याय 10 कुल पद 22। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी ना ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सुफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हैं कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथकर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है, तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह की नाई मेरा आहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी नहीं है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब अध्याय 11 कुल पद 20। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे?
तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि ईश्वर स्वयं बातें करें और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करें कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहाँ समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। जब ईश्वर बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझ से होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा और तुझे आशा होगी। इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें रह जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब अध्याय 12 कुल पद 25। तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं और जिनके पांव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं और उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है, उसके हाथ में और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीप से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और तीनी लोगों में समझ होती तो है। ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं।
वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बंधवाता है। वह याचकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपने अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिन उजाले के अंधियारे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं। अय्यूब अध्याय 13 कुल पद 28। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपनी कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सबके सब निकम्मे वैद हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्माएं से भय ना खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में ना समाएगा? तुम्हारे समरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कम पाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पांवों को काठ में ठोंकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पांवों की चारों ओर सीमा बांध लेता है और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। Thank you.
अय्यूब अध्याय 14 कुलपद 22। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे व्यापार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा ना कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा, और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता। तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में हैं, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाता है, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और भूमि की धूली उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। अय्यूब अध्याय 15 कुलपद 35। तब तेमानी एलिपस ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे, वह अपने अंतकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू भय मानना छोड़ देता और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। तो अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है, और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले
और अति पुण्य मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। ईश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ है? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आँख से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा ईश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है, केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उनके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाशक उस पर आ पड़ता है। उसे अंधेरे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता है। ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। उसने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वैताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है, इसलिए कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है और जो घर रहने योग्य नहीं और खंडर होने को छोड़े गए हैं उनमें बस गया है। वह धनी ना रहेगा और ना उसकी संपत्ति बनी रहेगी और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर से झुकने पाएगी। वह अंधेरे से कभी ना निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी और ईश्वर के मुख की शवास से वह उड़ जाएगा। वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ना करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। वह उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेंगी, दाख की नाई उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जलपाई के वृक्ष से गिरेंगे, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन ना पड़ेगा और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जल जाएंगे। उनके उपद्रव का पेट रहता और अनर्थ उत्पन्न होता है और वे अपने अंतकरण में छल की बातें गढ़ते हैं। अय्यूब अध्याय 16 कुल पद 22। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सबके सब निकम्मे शांतिदाता हो, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है,
उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है और उसने मेरे सारे शरीर को सुखा डाला है। वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंख दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नाम धराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को भेगता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर की नाई मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढापना और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। अय्यूब अध्याय 17 कुल पद 16। मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए कब्र तैयार है, निश्चय जो मेरे संग हैं वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनका मन समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना करेगा। जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता और उसके लड़कों की आंखें रह जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेत के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया की नाई हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वह भक्तिहीन के विरुद्ध उभरते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सबके सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी मनसाएं मिट गईं और जो मेरे मन में था वे नाश हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही और मेरी आशा किसके देखने से आएगी? वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा।
अय्यूब अध्याय 18 कुल पद 21। तब शूही बिलदद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पाप जाल में फंसाएगा। वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक चितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी ना सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र ना रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई बचा ना रहेगा। उसका दिन देखकर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोएं खड़े हो जाएंगे। निस्संदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। अय्यूब अध्याय 19 कुल पद 29। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव क्यों चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। मेरा विभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे, वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और जो मुझे जानते थे, वे मुझे भूल गए हैं।
जो मेरे घर में रहा करते थे, वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया सो पलट कर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, और मैं बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे मारा है। तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे पड़े हो, और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टाकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको क्यों कर सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिसे तुम जान लो कि न्याय होता है। अय्यूब अध्याय 20 कुलपद 29। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चितौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता, और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है? चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने ना पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा, और अपने स्थान पर उसका कुछ पता ना रहेगा। उसके लड़के वाले कंगालों से भी विनती करेंगे, और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाक का सविष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करैत के ढसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने ना पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा, और वह उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे ना मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने ना पाएगा।
लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। परंतु पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए ईश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा, उसकी चमकीली नोक उसके पित्त से होकर निकलेगी, भय उसमें समाएगा, उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छाएगा। वह ऐसी आग में भस्म हो जाएगा, वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी, उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। अय्यूब अध्याय 21 कुल पद 34। तब अय्यूब ने कहा, चित लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों ना हूं? मेरी ओर चित लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह में कंपकंपी लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आँखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गायें बियारती हैं और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे ईश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है और उन पर विपत्ति आ पड़ती है, और ईश्वर क्रोध करके उनके बांट में शोक देता है, और विवायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। ईश्वर उसके अधर्म का दंड उसके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है, उसकी दोहनियां दूध से
और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं, और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूं और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे, परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के परमाणु से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? अय्यूब अध्याय 22 कुलपद 30। तब तेमानी एलिपस ने कहा, क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली गईं। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं, फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नेव नदी बहा ले गई। उन्होंने ईश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए, परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं कि जो हमारे विरुद्ध उठे थे निस्संदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा।
तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सुभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। अय्यूब अध्याय 23 कुल पद 17। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इस रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमंजस में डाल दिया है, इसलिए कि मैं अंधियारे से पहले काट डाला ना गया और उसने घोर अंधकार को मेरे सामने से ना छिपाया। अय्यूब अध्याय 24 कुल पद 25। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते? कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं, वे अनाथों का गधा हांक ले जाते और विधवा का बैल बंधक कर रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यतन से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल में मिलता है, उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झाड़ियों से भीगे रहते और शरण ना पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालक को मां की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं,
जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलियां ढोते हैं। वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौनते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दुहाई देता है, परंतु ईश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी प फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए, दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधेरे के समय घरों में सेंग मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजाले को जानते भी नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वे अपनी दाह की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं, भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों को भी ईश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता, वह भी फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तब थोड़ी देर में जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सबों की नाई रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं। क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? अय्यूब अध्याय 25 कुल पद 6। तब शूही बिलदद ने कहा, प्रभुता करना और डराना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती? और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है? अय्यूब अध्याय 26 कुल पद 14। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है? निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली? बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है।
उज्याले और अंधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है, वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहरा रखा है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद देता है। उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, यह तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गर्जने का भेद कौन समझ सकता है। अय्यूब अध्याय 27 कुलपद 23। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं ईश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। मेरा शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय ईश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें ईश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सबके सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर से यह है और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके लड़के वाले गिनती में बढ़ भी जाएं, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाएं, वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे और उसके यहाँ की विधवाएं ना रोएंगी। चाहे वह रुपया धूली के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार कराए तो सही, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी की नाई बनाया। वह धनी होकर लेट जाए परंतु वह गाढ़ा ना जाएगा, आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी, रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी। क्योंकि ईश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा, उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा। अय्यूब अध्याय 28 कुलपद 28। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता
और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नील मणि का स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी पशुओं ने पाम नहीं धरा और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गिर गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और सफटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कूश देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उससे चोखे कुंदन के बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब अध्याय 29 कुलपद 25। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब
जवान मुझे देखकर चिप जाते और पुर्निये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले तीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की डांडे तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था और जैसे सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब अध्याय 30 कुल पद 31। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता है। उनका पौरुष तो जाता रहा, वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते और उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसे चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वश में, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे, ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। ईश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी अलंग पर बजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं वे भी ऐसे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर
मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुत्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैं उजाले का आसरा लगाए था तब अंधकार छा गया। मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिद्धों का भाई और शुत्र मुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियाँ जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अयूब अध्याय 31 कुलपद 40। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वैकुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वे मेरी गति नहीं देखता और क्या वे मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ वा कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊँ ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ तो मेरी स्त्री दूसरी के लिए पिसे और पराए पुरुष उसको भ्रष्ट करें, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे झगड़ा किया तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वह उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो या मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हों या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हों परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ
यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हों और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बांह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि ईश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन या अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह ना कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो, परदेशी को सड़क पर टिकना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जव के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब अध्याय 32 कुल पद 21। तब उन तीन पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया और बूजी बारकेल का पुत्र एल्यूहू जो राम के कुल का था उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलूहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बात जोहता रहा, परंतु जब एलूहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलूहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान हैं वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊँगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा
मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और ना उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और ना मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा। मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाखमधु के समान है जो खोला ना गया हो। वह नई कुपियों की नाई फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं। नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। अय्यूब अध्याय 33 कुल पद 33। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं ईश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, मुझे मेरे डर के मारे घबराना ना पड़ेगा और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निस्संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दाम ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे मैं मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गढ़े से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थीं निकल आती हैं। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है,
कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे छुड़ौती मिली है तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह ईश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा जीवन उजाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम ईश्वर पुरुष के साथ दो बार क्या, वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब अध्याय 34 कुलपत 37। फिर एलिहू यो कहता गया, हे बुद्धिमानो मेरी बातें सुनो और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें, क्योंकि अय्यूब ने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ और ईश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा है कि मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि ईश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निस्संदेह ईश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया व किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहदारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है कि तू नीच है और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। ईश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, क्योंकि उसने मनुष्य का कुछ समय नहीं ठहराया ताकि वह ईश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है
क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त ना लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है, और जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता ना रहे और प्रजा फंदे में फंसाई ना जाए। क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई ना करूंगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता वे तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है? क्योंकि तुझे निर्णय करना है, ना कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और ना उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है। अय्यूब अध्याय 35 कुल पद 16। फिर एलोहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ, और मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक, जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाएं, तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे सकता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे ही पुरुष के लिए है, और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं, और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं। तो भी कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला ईश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, और न सर्वशक्तिमान उस पर चित लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बात जोहता हुआ ठहरा है? परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अय्यूब अध्याय 36 कुल पद 33। फिर एलूहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। देख, ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है।
वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, और चाहे वे बेड़ियों से जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी ईश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वे उनको बांधता है तब भी दुहाई देते, वे जवानी में मर जाते हैं, और जब वे उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सन्निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझ से लिपटे रहते हैं। देख, तू जलजलाहट से उभर के ठट्ठा मत कर, और न प्राश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है? और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है और कुहरे से मैं होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उज्याले को चहुं ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। अय्यूब अध्याय 37, कुल पद 24। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है।
जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेघ को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर से जाड़ा आता है। ईश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लाता और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल दूर तक फैलाता है। वह उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें, चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि ईश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादलों की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुले दृढ़ हैं? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। ईश्वर भय योग्य तेज से आभूषित है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते। वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता, इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। अय्यूब अध्याय 38 कुल पद 41। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरे उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। दुष्टों से उनका उजाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है, या गहरे सागर की थाम में कभी चला फिरा है?
क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे, उज्याले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा। क्या तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था? क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है कि निर्जन देश में और जंगल में, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, मेह बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकली है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंद सकता है या मृग शिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझ से कहे, मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सीनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मान में बैठे हों और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों, फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? अय्यूब अध्याय 39 कुल पद 30। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं या जब हरनियां ब्याती हैं, तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके ब्याने का समय जानता है? जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती, वे अपनी पीड़ाओं से छूट जाती हैं। उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनैले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हांकने वाले की हांक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों से चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? या जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुत्र मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूली में उन्हें गर्म करती है और इसकी सुधि नहीं रखती
कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी किसी उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में ताप मारता है और अपने बल से हर्षित होता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने आहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। अय्यूब अध्याय 40 कुल पद 24। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूंगा। हाँ, दो बार भी कह चुका परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता। क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बहुबल ईश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गर्ज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने प्रति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हों वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दायना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है। देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्ठों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं, उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह ईश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह ना घबराएगा।
चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा व फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा? अय्यूब अध्याय 41 कुल पद 34। फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता या उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा या तुझ से मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुओं के त्रिशूलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पातियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों की वाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण हैं। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी बैठ नहीं सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पार्ट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्छी और ना तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता, गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान हैं। कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है, वह गहरे जल को हंडे की नाई मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। Thank you.
अय्यूब अध्याय 42 कुल पद 17। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेड़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसे जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुईं। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का किरण हपूक रखा, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।